गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय का बयान। चर्चा यही है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, ये स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों का गठबंधन निरुद्देश्य होता है। महेंद्रनाथ पांडेय। इसका उद्देश्य केवल स्वार्थ होता है। इंडिया गठबंधन का टूटना स्वाभाविक है। मोदी जी देश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और जनहित के काम हो रहे हैं। महेंद्रनाथ पांडेय। आम आदमी पार्टी पर बोले महेंद्रनाथ पांडेय, भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, इतना जल्दी इनका नग्न रूप सामने आ जाएगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश सही दिशा में चल रहा है और ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि आरोपों में गंभीरता है, ये पार्टी स्वार्थों के लिए बनी थी और इसने बहुत से लोगों के सपनों को तोड़ा है। महेंद्रनाथ पांडेय। गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा को याद कर रही है, उनके विकास को याद कर रही है और कुछ प्रतिशत लोग जिनकी वजह से ऐसा हुआ वो याद कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुना वो केवल अपने तक सीमित रहे और अपने स्वार्थों तक सीमित रहे। महेंद्रनाथ पांडेय। गाजीपुर में इस बार भाजपा प्रबल बहुमत से जीतेगी। महेंद्रनाथ पांडेय। ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार करने पर बोले महेंद्रनाथ पांडेय, मोदी जी ने लाल किले से बोला था भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और वो राह पर चल रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इंडिया गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा यही है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि ये स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों का गठबंधन निरुद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य केवल स्वार्थ होता है। महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि इंडिया गठबंधन का टूटना स्वाभाविक है। मंत्री पांडेय ने कहा कि मोदी जी देश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और जनहित के काम हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, इतनी जल्दी इनका नग्न रूप सामने आ जाएगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि देश सही दिशा में चल रहा है और ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा है कि आरोपों में गंभीरता है। महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि ये पार्टी स्वार्थों के लिए बनी थी और इसने बहुत से लोगों के सपनों को तोड़ा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा को याद कर रही है, उनके विकास को याद कर रही है और कुछ प्रतिशत लोग जिनकी वजह से ऐसा हुआ वो याद कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुना वो केवल अपने तक सीमित रहे और अपने स्वार्थों तक सीमित रहे। मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने दावा किया कि गाजीपुर में इस बार भाजपा प्रबल बहुमत से जीतेगी। ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार करने पर महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि मोदी जी ने लाल किले से बोला था भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और वो राह पर चल रही है। गाजीपुर में ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है 1942 के अंदर जो जन प्रतिरोध हुआ था आजादी की लड़ाई में, उसमें गाजीपुर में किस तरह का जन प्रतिरोध हुआ उस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क चल रहा है। डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रयागराज में, उनकी अगुवाई में उस पर एक सेमिनार आयोजित है और उसका सह प्रायोजक सहजानंद महाविद्यालय और उससे जुड़े लोग, मैं उसी में मुझे लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया। सर, इस समय इंडिया गठबंधन का बड़ी जोरों पर चर्चा है, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव और नीतीश दोनों लोग काफी नाराज हैं, तो क्या भविष्य देखते हैं सर? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, चर्चा इसी बात की है कि गठबंधन बनने के बाद अभी से बिखर रहा है, ये चर्चा है और वो सुनिश्चित है। ये गठबंधन कोई स्वार्थों का गठबंधन है और स्वार्थों का गठबंधन निरुद्देश्य होता है, उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति है, स्वार्थ पूर्ति में बाधा आएगी तो टूटना स्वाभाविक है। और मोदी जी जिनके खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं वो आज देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जनहित के बड़े काम हो रहे हैं, राष्ट्रहित के काम हो रहे हैं, तो समाज इसको देख रहा है और अच्छा है समाज को इनके इस रूप को देखने का अवसर पहले ही मिल गया। आम आदमी पार्टी की खूब चर्चा हो रही सर, हालांकि शराब कांड में दो लोग जेल चले गए, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के द्वारा पहुंच नहीं गए, सर क्या लगता है? भारत की राजनीति का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छे समाज सेवी की अगुवाई में चले आंदोलन को अपने स्वार्थों में नष्ट करने वाले लोगों ने, इतना जल्दी इनका यह नग्न रूप भ्रष्टाचारी रूप उजागर हो जाएगा इसकी कल्पना देशवासियों ने नहीं की थी। देश सही दिशा में चल रहा है,
और ये लोग जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, परत दर परत भ्रष्टाचार खुल रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय की पूरी एक पीठ ने कहा कि इसमें आरोप में गंभीरता है, तो निश्चित तौर से यह पार्टी स्वार्थों के लिए बनी थी और इन्होंने बहुत से लोगों के सपनों को नष्ट किया है अपनी लालच में, यह दुर्भाग्य। सर 2024 लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पिछले अगर लोकसभा की बात करें तो 15 सीट कमी रह गई थी, इस बार क्या भविष्य देखते हैं उन 15 सीटों में गाजीपुर भी शामिल है? गाजीपुर की जनता दिन प्रतिदिन पिछले दिनों श्री मनोज सिन्हा जी के मोदी जी की अगुवाई में विकास परक कार्यों को याद कर रही है और वो देख रही है कि कैसे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी ऐसी थोड़ी भूल की, कुछ प्रतिशत की कमी रह गई, वो याद कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे को चुना जो केवल अपने तक सीमित रहा और अपने स्वार्थों तक रहा, दुर्भाग्य से आज वो सदस्य भी नहीं रहा क्योंकि उसके कृत्य ऐसे थे। उस परिस्थिति में गाजीपुर इस बार प्रबल जनमत से भाजपा जीतेगी, ये आपको मैं भरोसा दे। सर उम्मीद जताई जा रही है कि कौन प्रत्याशी हुआ क्या लगता है? ये पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा, ये सब हम आप सबको शुभकामना देते हैं। ईडी के अधिकारी को भी 15 लाख माननीय मोदी जी की अगुवाई में, आपको स्मरण होगा लाल किले से माननीय मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस और मेरी राह रुकेगी नहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और वो राह चल रही है, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी। थैंक यू सर।